हेलो, रोहन के पास ना कोई सुपर पावर है, तो वो जो भी ड्राइंग बनाता है ना वो सच हो जाती है। ये देखो, रामलीला की ड्राइंग। रोहन ने पहले ही ड्रॉ करके रखा था कि तुम राम बनोगे और तारा सीता। मैंने तो कितनी कोशिशें की कि ये सच ना हो, लेकिन रोहन की ड्राइंग सच होती है और ये भी हुई। और इसी तरह ने ये ड्राइंग बनाई है और इस ड्राइंग के हिसाब से मैं मरने वाली हूं। आलोक, आलोक क्या आलोक, तुम ये मनगढ़ंत कहानियां लेके बैठ जाती हो, रोहन की ड्राइंग वगैरह वगैरह। आलोक, मैं सच कह रही हूँ। अरे आलोक, मैं भी सच कह रहा हूँ। अरे इत्तेफाक नाम की भी तो कोई चीज होती है। अरे हो सकता है रोहन ने ड्राइंग बनाई और इत्तेफाक से वो हो गई। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आलू, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात समझो। ये देखो, अब ये ड्राइंग देखो। रोहन की इस ड्राइंग में मैंने ट्रॉफी उठाई हुई है। अब रोहन ने सोचा होगा कि पापा मैच जीत कर आएंगे और ट्रॉफी उठा लेंगे, और उसने ड्राइंग बना दी। अब इत्तेफाक से मैच जीत गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोहन की सिर्फ ड्राइंग बनाने से ही मैच जीते। तो नीति और विकास की मेहनत का क्या? आलोक, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है ना, रोहन जो बनाता है वो सच होता है। तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? बस करो आलू यार, जाने निकाल दी मेरी। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, एक टीचर हो, ये कैसी बातें कर रही हो? आलोक, मैं जानती हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, टीचर भी हूँ, लेकिन मैं एक पत्नी भी तो हूँ, एक माँ भी हूँ, बहू भी, बेटी भी, इंसान भी। इसीलिए मैं अपने मरने से पहले तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती हूँ जो मेरे बाद एक पत्नी का प्यार दे, रोहन को एक माँ का प्यार दे, मम्मी और मम्मी जी को मेरी कमी कभी महसूस ना होने दे, घर को भी संभाल लेगी ताकि मैं चैन से मर पाऊँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें और ना ही मैं होने दूंगा, समझी तुम? परे फितूर ने अपने दिमाग से निकाल दो। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने तो मेरे को लड़की भी ढूंढी होगी। हाँ आलोक, वो बहुत अच्छी लड़की है, रोहन भी उसे बहुत प्यार करता है, बहुत कंफर्टेबल भी है वो उसके साथ, और वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी अच्छे से। कौन है वो? आलोक, वो हमारे घर को भी संभाल लेगी। कौन है वो? आलोक, मम्मी और मम्मी जी उसे बेटी की तरह मानते हैं। कौन है वो आलू? तारा। तारा जी? हाँ आलोक, मैंने तुम्हें और तारा को करीब लाने की बहुत कोशिशें की हैं। तुम्हारी स्कूटर पंक्चर हो गई, तुम अब स्कूल कैसे जाओगी? मैं रिक्शा ले लूंगी। अरे ना ना, आलोक जा रहे हैं ना स्कूल, वो तुम्हें छोड़ देंगे। आइए आपको स्कूल का इंस्पेक्शन मैं और आलिया करा दें। अरे आलोक, तुम तारा को ले जाओ ना इंस्पेक्शन कराने। मैं तुम्हें छोड़ के साथ में फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। तारा तैयार होकर आई है बेचारी, तुम दोनों निकलो वरना तुम्हारी पिक्चर छूट जाएगी। गरम दूध गिर गया तो हाथ जल गया। लेकिन अब बेचारी तारा के माथे पे मैं बाम कैसे लगाऊंगी? तुम लगाओ ना। सब लोग स्विमिंग पूल जाएंगे, तुम भी आ जाना। आलोक वैसे ही स्विमिंग कर रहे होंगे, तो तुम्हें मौका देख कर फिसल के आलोक की बाहों में जाना है। तारा जी को पता है सब? हाँ आलोक, मैंने तारा को मना लिया था। बस, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसी हरकत करोगी। तुम्हारे चक्कर में तुमने तारा जी को भी घसीट लिया इसमें। क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में? तुमने बहुत बड़ी गलती की आलिया, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। ना ना, अगर आलोक ने जाकर माफी मांग ली तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। नहीं आलोक, आलोक तुम मत जाओ, तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो माफी मुझे मांगनी चाहिए ना। मैं तारा से माफी मांगती हूँ, तुम मत जाओ।
चौंक रही हो? मैं ही हूँ। तुम जरा यहाँ, उनसे बात करनी है। आलिया, सी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5 दिन पूरे हो गए, अब प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। तारा मेरी बात सुनो, मैं आलोक को सब बता चुकी हूँ। तुमने आलोक जी को सब बता दिया? हाँ, मैंने बता दिया। मैंने कह दिया कि मैं मरने वाली हूँ, और ये भी बता दिया कि जिस लड़की से मैं आलोक की शादी करवाना चाहती हूँ वो तुम हो। आलोक जी ने क्या कहा? वही तो तारा, आलोक ने ना नहीं कहा। मतलब हाँ भी नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। अब जब हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, तो इसका मतलब इनफ आलिया, इनफ। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो चाहोगी वही होगा? तुम कुछ भी सोच लोगी और लोगों को मजबूर करोगी कि वो तुम्हारी सोच के हिसाब से चले। तरस आता है मुझे तुम पर। इतना शरीफ पति है तुम्हारा और तुम उसे जबरदस्ती ये समय ढकेल रही हो। सी आलिया, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे और परेशान मत करो। जाओ यहां से, और अगर तुम नहीं गए ना तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। अरे आलू, क्या बात हुई तारा जी से? बात हो गई, सब ठीक है। अरे हाँ, लेकिन क्या बोला क्या तारा जी ने? आलू, बात हो गई हमारी, सब ठीक है। अरे लेकिन आलू, तुम दोनों की क्या बात हुई? मैंने कहा ना तारा, मेरी बात हो गई, सब ठीक है। अरे यार, लेकिन क्या तब से ठीक है कर रही हो? बताओ ना क्या बात हुई तारा जी से? मैंने कहा मेरी बात हो गई, सब ठीक है। मैंने माफी मांगी और उसने मुझे माफ कर दिया। बताओ, सास यहाँ बादाम का हलवा बना रही है, लेकिन मैडोना तो किचन में आएंगी नहीं, क्योंकि मैडोना के पैर में तो मेहंदी लगी है ना। मेहंदी छोड़ के कैसे आएंगी? फिर शुरू हो गई सवेरे सवेरे तुम्हारी आकाशवाणी। तो आकाशवाणी शुरू हुई है, तुम्हारी बकवासवाणी आके शुरू हो गई। एक बात बताओ, तुम ये मैडोना को क्या लाली लिपस्टिक पाउडर खा के पैदा की थी? उनका मेकअप ही नहीं खत्म होता है कभी। हमने जो खा के पैदा किया सो किया। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा ने क्या तुमको रेडियो खा के पैदा किया? जब देखो बकर 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 बकर, अरे कितना बोलती हो तुम दुर्गा। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या बना रही हो? वही जिसकी खुशबू सूंघते सूंघते तुम यहाँ तक आ गई हो। मैडोना, हलवा बन गया है, थोड़ा तारा बिटिया क्या दे आओ। तारा बिटिया को क्यों, पहले हमको खिलाओ। अरे रुको, पहले मेहमानों को खिलाओगी तुम खाओगी। हाँ राबिया, ये सब हुआ था रात को। मैं फिलहाल तो हलवा देने आई हूँ तारा को, ताकि मीठा मीठा हलवा खिला के इसका गरम गरम गुस्सा थोड़ा शांत कर पाऊँ। मैं तुझे स्कूल में मिलती हूँ, बाय। तारा, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अच्छा, शायद जल्दी निकल गई होगी स्कूल के लिए। ठीक है, मैं हलवा पैक करके स्कूल में ही खिला दूंगी। सर, 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 पर क्या है? जहां मैं जाऊंगा तू वहीं झाड़ू मारेगा। सर जहां आप जाते हैं कचरा वहीं होता है। क्या नहीं मतलब, आप कचरे पे खड़े हो जाते हैं ना। चुप कर, सुबह से तारा जी का फोन नहीं लग रहा, तू अपनी बकवास कर रहा है, है? अरे राबिया। यस सर। आपने तारा जी को देखा कहीं? नहीं सर, तारा को नहीं देखा, क्या हुआ? अरे इंग्लिश की क्लास खाली पड़ी है, बच्चे सुबह से शोर मचा रहे हैं और टीचर का कुछ पता ही नहीं है, ये चल रहा है यहाँ पे, और उनका फोन भी नहीं लग रहा सुबह से, बताओ। और फिर सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंका भेजा। अलिया, इधर आ। एक मिनट, हाँ क्या हुआ? अरे ये तो मैं पूछने आई हूँ, कहाँ हुआ? कहाँ क्या हुआ? अरे
आलिया आज तारा स्कूल नहीं आई है। अच्छा, मैं सुबह जब उसे हलवा देने गई थी तो वो घर पे भी ना थी, अब स्कूल में भी ना है, और वो तारा गई कहाँ? हाँ, उसे हमने पकड़ लिया है। नहीं नहीं, किसी को भी शक नहीं हुआ है। तारा ने कहा था कि अगर तूने उसे ज्यादा सताया ना तो वो आगरा छोड़ के चली जाएगी। ना ना, अगर वो आगरा छोड़ के चली गई तो आलोक का घर बसने के पहले ही उजड़ जाएगा। ना ना, बंसी वाले प्लीज, अगर तारा ट्रेन से जा रही हो तो ट्रेन कैंसिल करा दो, अगर बस से जा रही हो तो बस का टायर पंक्चर करा दो, अब बस उसे वापस भेज दो। मैं उसे कन्विंस कर लूंगी कि वो आगरा में रह जाए, नहीं जाए ना। सर, सुबह से शाम हो गई है, तारा जी अब तक नहीं आई है। महोदय, चलत दूरभाष यंत्र और गृह स्थापित यंत्र दोनों पे संपर्क स्थापित करने का हमने प्रयास किया किंतु कुछ नहीं हुआ। महोदय, सुबह से चार बार जाके आया तारा जी के घर पे, दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, लेकिन दरवाजा ही नहीं खोला। तारा जी अचानक कैसे गायब हो गई? वैसे शालिनी जी, आपको क्या लगता है? मुझे तो ठंडा लगता है, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है ना। हाँ, ओ चली गई तारा जी, नौकरी छोड़ के चली गई, इन्होंने बोनस नहीं दिया ना। मेरे बोनस तो हम तुम्हें भी नहीं दे रहे। सतंगी, नौकरी छोड़ के जाओगे क्या? सर, मुझे कुछ याद है, सुनिए। अरे रहन दो यार बाबू। सॉरी सर, सुन लीजिए ना। अरे यहाँ तारा जी का कुछ पता नहीं चल रहा और इन्हें अपने किस्से की पड़ी है, हैं? जय चल रहा है यहाँ पे। सर, मामला बहुत संगीन है, सुन लीजिए ना प्लीज। सर आलोक जी, ऐसे ही एक लड़की हमारे गांव में थी, उसके घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था, सबको लगा कि लड़की घर में है ही नहीं, लेकिन दो दिन बाद जब दरवाजा तोड़ के देखा गया तो पाया जाता है कि लड़की को सांप ने डस लिया। लड़की टे बोल गई, माँ कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, माँ कसम। सर, मुझे लगता है कि तारा जी के घर का दरवाजा खुलवाना ही पड़ेगा। हाँ लोग बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। क्या हुआ? अरे यार, चौराहे पप्पू चाबी वाले ने आज दुकान ही नहीं खोली है। भैया, हमारे जमाने में बिल्कुल ठीक था कि घर के बाहर लोग बड़ा सा ताला लटका के चले जाते थे, अगर चाबी खो भी गई तो हथौड़े से या पत्थर से तोड़ के ताला खोल लो, लेकिन अभी तो ताला दिखता भी नहीं है। आइडिया। क्या? तोड़ दो। अभी कहा ताला दिख नहीं रहा है, क्या तोड़ेंगे? अरे दुर्गा, हम कह रहे हैं कि दरवाजा तोड़ दो। हद है भैया, हद है, तुम माँ बेटी दोनों घुमा घुमा के बात करोगे। आप दोनों थोड़ी देर शांति बनाए रखिए ना। अरे अरे, हम तो कहते हैं ना, प्रिंसिपल सर अकेले ही तोड़ देंगे। इनका फूला हुआ शरीर देखिए, मतलब गठीला शरीर देखिए, जवानी में सब सर को धर्मेंद्र कहते थे, है ना सर? एक ही बार में तोड़ देंगे। अरे रे रे रे, सर सबको लग रहा है जी के बोल रहा है पी के। सर बताइए अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर सर ऐसा सब भी करो ना। अरे इनका तो कंधा टूट गया। मैं कंधे की ही बात कर रहा था। हेलो। अरे आप लोग अभी भी मजाक सोच रहे हैं? यहाँ मामला कितना सीरियस है, मैं ही दरवाजा तोड़ता हूँ। ध्यान से। खुलेगा खुलेगा। टूटेगा लोग भाई। तारा जी तारा 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 पा क्या देख रही है तू? अरे कहीं वो पागल है क्या? अरे वो तो उस कमरे में भी नहीं है, कहीं कहाँ? तारा तारा जी, तारा जी अंदर भी नहीं है। आलिया सुन, तेरे सताने के डर से कहीं वो भाग तो नहीं गई? बाबू सतसंगी,
कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। आपको किसी पे संदेह है? सब मुझे क्यों पूछ रहे? बाबू हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है? उधर से आ रहा है। आवाज सेम ही लगा यार। सिंघम टाइप ना? तिवारी, इंस्पेक्टर तन्मय तिवारी। नाम? मुजरिम तक पहुंचने की आदत है हमारी। कुछ सबूत मिला? चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था और एक बकरी भी। अचानक क्या हुआ कि बकरी गायब हो गई। सबका शक घूम फिर के शेर पे गया, लेकिन शेर ने बकरी गायब नहीं की थी। तो बकरी को गायब किया तो किया किसने, बताइए? नहीं पता? ना, हमें भी नहीं पता। लेकिन पता चल जाएगा, क्योंकि हम हैं इंस्पेक्टर तिवारी और मुजरिम तक पहुंचने की आदत है हमारी। चलिए आपको भी एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी, उसको नवंबर के महीने में बहुत पसीना आता था। जब डॉक्टर से जांच कराई तो पता लगा कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। माफ कीजिएगा मैडम, आपको भी नवंबर के महीने में बहुत पसीना आ रहा है। बीपी? ब्लड प्रेशर की जांच करवा लीजिएगा। मिस तारा गायब हुई हैं या की गई है, इसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। कल आपके स्कूल आएंगे। ठीक है। कितने बजे? कितने बजे भी आइए। हाँ, आप एड्रेस भेज दीजिएगा, लड़की को हम वहां पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, मेरा पैसा रेडी रखिएगा। हमारी स्कूल और स्कूल के सभी स्टाफ से बात हुई, लेकिन हम तक अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन लग जाएगा, क्योंकि हम हैं इंस्पेक्टर तिवारी और मुजरिम तक पहुंचने की आदत है हमारी। चलिए इसी बात पे आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा था और एक रानी थी। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। रानी ने राजा को धमकी दे दी कि वो राजा को छोड़ के चली जाएगी। तारा, आई लव यू ना, चुपचाप यहां से निकल जा और दोबारा दिखाई मत देना। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। राजा सो के उठा, महल से रानी जा चुकी थी। लेकिन इस कहानी से रानी क्यों गई, कहां गई, जबकि इस कहानी में तो कोई राजा है ही नहीं। बाबू, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इस कहानी में भी एक राजा है। हाँ, जो रथ पर आया था। रथ पर? मतलब रथ जैसी लंबी गाड़ी में। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक लड़का था जो तारा जी को परेशान कर रहा था। मैंने उसे धमकाया और वॉर्न किया कि दोबारा यहाँ ना दिखे। जी,
तारा के गायब होने के पीछे किसी राजा का हाथ है या राजकुमार का, यह आज शाम तक पता चल जाएगा, क्योंकि तारा के मोबाइल के सारे कॉल रिकॉर्ड्स आज शाम तक हमारे हाथ में आ जाएंगे। वैसे हमने तारा की माता जी को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, उनका भी फोन ऑफ है। हमें तो लगता है दोनों कहीं गई हुई हैं। हमने पता करवाया है कि तारा की माता जी इटली गई हुई हैं। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, आपसे तो हम शाम को मिलेंगे। तारा का पता तो हम लगा के रहेंगे, क्योंकि हम हैं इंस्पेक्टर तिवारी और मुजरिम तक पहुंचने की आदत है हमारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.